छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुचर्चित आगजनी और हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 33 महिलाओं से मुलाकात करने दुर्ग जेल पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, जहां उन्होंने पर्सनली बंदी महिलाओं से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारडी गांव में हुए आगजनी और हत्याकांड के मामले ने अब पूरे प्रदेश भर में भूचाल मचा दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को आड़े हाथों और घेरने पे लगी हुई है, साथ ही निशाना साध रही है। दुर्ग के केंद्रीय जेल के निरीक्षण को लेकर लगातार कोई न कोई मंत्री पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक भी दुर्ग की जेल में गिरफ्तार कर लाई गई 33 महिलाओं से मुलाकात करने पहुंची। भेजा, आप साइन करके भेजिए, तो सचिव साहब ने उसे भेजा, फिर मुझे बताया, फिर मैंने डीजी जेल को बोला, तो उन्होंने कहा मैडम मैंने जेल सुप्रिंटेंडेंट को बोल दिया। आपको बताना चाहेंगे, कवर्धा के लोहारडी गांव में हुए बहुचर्चित आगजनी और हत्याकांड के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने कहा कि जेल में 33 महिला को गिरफ्तार रखा गया है, जिनमें से 30 महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान हैं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को अलग कमरे में ले जाकर पर्सनली उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने कपड़े हटाकर अपने घाव दिखाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कर लाई गई महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पुलिस द्वारा मारा गया है। इस घटना के बाद घरों में घुसकर कई निर्दोष महिलाओं को मारा गया, थाने लाकर भी उनसे मारपीट की गई। किरणमयी नायक ने बताया कि एक महिला को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया, फिर उसकी बेटे के मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था। ये सब किस प्रक्रिया के तहत हुआ, इसे जानने की जरूरत है। देखिए, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष का पद शायद खाली है। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हो गया है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जानकारी नहीं है मुझे, तो वहाँ पर यदि होगा तो खैर सूचना तो मैं भेजूंगी उनको और कायदे से उनको एक्शन लेना चाहिए। परंतु अभी तक का जो मेरा अनुभव है 4 साल का, जिन जिन राज्यों में केंद्र की सरकार की पार्टी होती है उन राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की कभी भी दखलंदाजी नहीं होती है। जब वहाँ पर विपक्ष की सरकार होती है तब वो राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय रूप से आती जाती है और बाकी राज्यों में उनके कहीं पर भी धमक नहीं दिखाई देती है। असल में क्या, जब मैं आई थी तो मैं बिना तैयारी के तो आई नहीं थी। मैंने डीजी जेल हिमांशु गुप्ता जी को बाकायदा अपनी ऑफिशियल चिट्ठी भिजवाई थी अपने सचिव के माध्यम से और उनको भी डीजी जेल ने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया था। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे तो उनका कहना था कि मुझे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर मैंने लिखा था कि मैं एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट के साथ अंदर जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं की चोटों का उल्लेख आया था जो सोशल मीडिया में वायरल था। और मैं यदि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ जाती हूँ और कल को गवर्नमेंट डॉक्टर फेवर में बयान नहीं देते हैं या पलट जाते हैं या मेरे की गई जांच को विरोध कर देते हैं तो मेरे पास फिर कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए मैं अपनी तैयारी से आई थी। उन्होंने पहले तो मना किया और बाद में फिर मुझे जाने दिया और बाद में जब देखा कि काम काफी है तो उन्होंने अधिवक्ता को अंदर आने की परमिशन दी। हम दोनों ने बैठ करके वहां पर सबके बयान दिए। हमारे साथ तहसीलदार श्यामा यदु जी और डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, कीर्ति, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रही हूँ, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है, किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर पे जेंट्स डॉक्टर आए थे उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रुटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़ कर पुलिस घुसी है और खींच खींच कर घसीट घसीट कर निकाला है
और मारा है महिलाओं को, और उसके बाद रेंगागार थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है, और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो चीज़, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए, और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज हो सकती है। राष्ट्रीय महिला सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हमने नोट कर दिया। भाई देखिए, पूरी तरीके से शक नहीं थी, देखिए पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सब ने अपने पूरे कपड़े हमें हटा हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफ़ी तकलीफ दे चीजें थी, तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है। आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। बयान दर्ज कर लिया गया है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।